वेस्टर्न पे में देखा गया तो आइसोलेटेड बारिश हुआ है। 18 डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 10 इंच रिपोर्ट हुआ। मैक्सिमम रेनफॉल हुआ दतिया में 35 मिलीमीटर। और ईस्टर्न एमपी में देखा गया तो भी आइसोलेटेड बारिश हुआ। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 10 इंच रिपोर्ट हुआ। मैक्सिमम रेनफॉल बालाघाट में हुआ 78.3 मिलीमीटर। यहाँ से हेलस्टॉर्म रिपोर्ट भी है। और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो वेस्टर्न एमपी में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 43 डिग्री सेल्सियस, और ईस्ट एमपी में सिंगरौली में 40 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर भी हीट वेव कंडीशंस नहीं था कर। और अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और उसका इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर अभी प्रिवेलिंग है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिविटी शुरू हुआ है, स्पेशली शिवनी बालागढ़ के रीजन छिंदवाड़ा के रीजन में ऑलरेडी कन्वेक्शन शुरू है। ये जो रेड कलर में दिख रही है वहाँ पे हेवी कन्वेक्शन है, वहाँ पे ऑलरेडी बारिश और थंडरस्टॉर्म चालू है। ये ऑलमोस्ट डिंडोरी शहडोली रीजन तक अभी परसिस्टिंग है। तो अभी की कंडीशंस के हिसाब से हमने चेतावनी और फोरकास्ट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट एमपी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमने वाइड स्प्रेड टू फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश का चांसेस दिया है, और साथ साथ थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दिया है स्पेशली साउथ ईस्ट एमपी के जो पांडुना छिंदवाड़ा शिवनी बालागढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स में, और सिंगरौली अनूपपुर और शहडोली डिस्ट्रिक्ट में भी हेलस्टॉर्म के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्ट विंड 50 to 60 km/h का विंड स्पीड का चांसेस है। ये जो ऑरेंज रंग में दिखा रहे हैं वहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म का चांसेस है 50 to 60 km/h का विंड स्पीड के साथ, और येलो कलर में जो दिया वहाँ पे थंडरस्टॉर्म विद गस्ट विंड 40 to 50 km/h का विंड स्पीड के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 21 का देखा गया तो भी ये सिस्टम प्रिवेलिंग है, सिस्टम थोड़ा ईस्ट मूवमेंट हो रही है, और स्पेशली साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चालू रहेंगे गस्टिंग 50 to 60 km/h की स्पीड के साथ, और सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में थंडरस्टॉर्म का चांसेस है 40 to 50 and 30 to 40 km/h का स्पीड के साथ। और कल भी देखा गया कि साउथ ईस्ट इंडिया के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल का चांसेस है, सेंट्रल रीजन में मेनली स्कैटर्ड आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड बारिश का चांसेस है। और 22 को देखा गया तो भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लगभग पूरे एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे छिंदवाड़ा पांडुना और वेस्ट एमपी में नर्मदापुरम और बेतू के डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का भी चांसेस मॉडल दिखा रही है, और साथ साथ गस्ट विंड और थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस है 40 to 50 km/h का। और हम डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो ऑलमोस्ट सेंट्रल टू सदर्न पोर्शन में रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस स्पेशली छिंदवाड़ा पांडुना नर्मदापुरम बेतूल और सीहोर भोपाल एंड हरदा ये रीजन में मेनी प्लेसेस टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और 23 को देखा गया तो भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट फेयरली वाइड स्प्रेड कंडीशन में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड में बारिश होने का चांसेस है, स्पेशली साउथ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में और वेस्ट में नर्मदापुरम बेतूल उज्जैन और धार इंदौर के रीजन में भी स्कैटर्ड रेनफॉल का चांसेस है, एंड ईस्टर्न साइड में उमरिया शहडोल अनूपपुर और डिंडोरी ये रीजन में भी फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश का चांसेस है, और साथ साथ ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्ट विंड का चेतावनी दिया है 40 to 50 and 50 to 60 km/h का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी मानसून का कंडीशन देखा गया तो मानसून आज थोड़ा सा एडवांस किया है, महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन स्पेशली गोंदिया तक आया है, और छत्तीसगढ़ में भी साउथ से सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक एडवांस किया है। तो अभी के कंडीशंस के हिसाब से देखा गया तो आने वाले 3-4 दिन में मध्य प्रदेश में भी दक्षिण मध्य प्रदेश में मानसून का ऑनसेट होने का संभावना है।